और पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा समय से कुमारधुबी स्टेशन के समीप झोपड़पट्टी में बसे लोगों के आशियाने पर आसनसोल रेलवे ने बुलडोजर चलाकर करीब 200 परिवारों को बेघर कर खुले आसमान में रहने को मजबूर कर दिया। भीषण बरसात में अब उन परिवारों के सामने खुले आसमान के नीचे रहने के अलावा कोई और सहारा नहीं है। टकटकी निगाहों से आस लगाता हुआ परिवार किसी फरिश्ते के इंतजार में है जो उनका आशियाना उन्हें दिला सके। गुस्साए इससे लोग गुस्से में दिखे और अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोशित विस्थापितों ने बताया कि आज जब उनका आशियाना उजाड़ने का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है, तब ना ही सांसद, ना ही विधायक और ना ही नगर परिषद के चेयरमैन हालचाल जान पहुंचे। लोगों की शिकायत थी कि नेता वोट के समय ठीक पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि इस भीषण बरसात में उनके घरों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, वो आखिर जाएं तो कहां जाएं। नहीं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है किसको लेकर, खासकर जो अमृत स्टेशन के लिए जो उसके लेकर? क्या नाम हुआ आपका? अभी तोड़ रहा, कम से कम पहले तोड़ना चाहिए था, छठ बाद तोड़ने का बात था, नौम छठ रोड के बाद तोड़ता और अभी ये तोड़ दे रहा है। बोलिए हम लोग बरसात में कहाँ जाएंगे, कितना दिक्कत हो रहा, हम ही लोग जाने, रोज बारिश हो रही, सामान सारा भीग रहा है, देखिए सारा सामान जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। जो तोड़फोड़ है, लोकतंत्र का काला दिन है। ये गरीबों का 70 साल से बस रहा था, भारत का ही मूल वासी है, इन लोगों के पास में जमीन नहीं है, तो बरसों दर बरसों रेल के जमीन में ये लोग बस रहे थे। ठीक है, रेलवे का विकास हो रहा है जिसके साथ तोड़ा जा रहा है। आज 6 महीना साल भर से जिला प्रशासन को और स्थानीय जनप्रतिनिधि को, MLA, MP, मंत्री भी सबको ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं।